एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? हम सब हैं बहुत अच्छे। गाइस, तो अब हम लोग रेडी हो चुके हैं बिल्कुल खुशी के घर जाने के लिए, और हमें लगेंगे कितना टाइम? 2-2.5 घंटे। गाइस, बेचारे जीजू को जूते रखने की भी जगह नहीं मिली, देखियो भाई यार। तो गाइस, हम आए थे सेफ्टी पंप और ये उतरी नहीं। अगर गाड़ी में आग लग जाती तो भी उड़ जाती आज। ऋषि बनवा रही है चार्ट। क्यों, अब क्यों आ रही है बाहर? तो बस खुशी दो बनवाई है बिहारन। हम आ गए खाना खाने, छोटे वाला इन सबको बहुत तेज भूख लग रही थी क्योंकि सुबह से हमने खाली चाय पी है। अब जा रहे हैं हम, पहले जब हरिद्वार गए थे ऋषिकेश तब भी हम यहीं रुके थे और अभी भी यहीं आए हैं। इसका खाना बहुत टेस्टी रहा। दिन से तो हमारा वेट भी नहीं हो रहा है हमारा खाना। इंतजार नहीं हुआ तुमसे? यार खेली लेके बैठ गए इधर, दे चुपचाप चौमिन। तो गाइस, हम आ गए खुशी के घर, मतलब यहाँ खुशी पार्टी दे रही है। तो गाइस, हमने खुशी के लिए ले लिया है ये सामान, कॉफी और फ्लावर और यहाँ पे हम लोग हो गए थे रेडी, बट हम लोगों को ढंग से मेकअप करने का भी टाइम नहीं मिला था। हम लोगों ने जल्दी जल्दी रेडी हुए, जल्दी जल्दी सब कुछ करा, फिर हम लोग बाहर गए थे और पार्टी इंजॉय। और गाइस, फिर यहाँ पे खुशी और मेरा शूट चल रहा था और गाइस पुनीत ने मेरा व्लॉग बना लिया। यहाँ पे जो कैमरामैन वाले भैया थे वो हमें बता रहे थे कि हमें किस अकॉर्डिंग पोज करके फ़ोटोज़ लेनी है। और गाइस, फिर नेक्स्ट यहाँ पे प्रेरणा और जीजू की फ़ोटो खींच रही थी। खुशी बार बार बुला रही थी, बट ये लोग गाइस खाने में लगे हुए थे ना, तो ये लोग इतनी लेट गए। वो बेचारी वहाँ खड़ी हुई थी अपनी फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए। और फिर यहाँ पे जो कैमरामैन थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से फ़ोटोशूट वगैरह सब कुछ किया, और फिर यहाँ पर हम लोगों की अच्छी अच्छी सी फ़ोटोज़ खींची और वीडियोज़ बनाई। और फिर गाइस, अब यहाँ पर आई थी पुनीत की टर्न, और फिर हम सब ने खुशी के साथ सिंगल सिंगल फ़ोटोज़ खिंचवाई थी। बट अभी वो कैमरामैन हमें एक दो दिन में देगा एडिट वगैरह करके, तो हम लोग इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, तब आप लोग वहाँ पर देख लेना। और गाइस, इसके बाद मिठू दीदी की तो गाइस यहाँ मिठू आ गई। अरे मेरे लिए क्यों लाई, ये पागल है क्या? ये तूने ऐसे लिया है? तुम रख लो, ये तूने ऐसे लिया है? कुछ भी नहीं मिल रहा, ऐसे लिया ना, ऐसे रेडी, सब रेडी, 1 2 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो जिस साइड खुशी घूम रही है, आप नेटू का डांस परफॉर्मेंस होएगा, उसके
उसके बाद हम केक कट करेंगे। आर यू गाइस रेडी? यस शी इज रेडी। ओके स्टार्ट। बिना गाने के क्या क्या करना हमको बता दे एक बार। बिना गाने के मैंने ना चिल्लाते रहना है। 90 सेकंड की बना रही हूं फिर तेरे को एड्रेस करते हैं। और इसके अलावा वेट वेट चल मिट तो जा। वेट आई एम रिमूविंग माय हील्स। ओ कहां कह दी? नो नो आई कांट डांस इन माय हील्स। चलो गाइस ये बच्चे का सपना मैं शूटिंग रेडी हो रहा। छोटी सपना रेडी है। गाइस तो यहाँ पे खुशी ने रखी थी मिट्टू दीदी की डांस परफॉर्मेंस। तो मिट्टू दीदी जैसे ही आई थी खुशी ने वैसे ही उनको डांस पे लगा दिया था कि आप एक तो पहले मिट्टू दीदी बहुत लेट हो गई थी तो फिर वो आई तो खुशी ने उनसे डांस करवाया था और उसके बाद खुशी ने भी डांस किया था। सब ने डांस किया था बट सबसे पहले स्टार्टिंग मिट्टू दीदी ने ही करी थी। तो यहाँ पर अभी मिट्टू दीदी का डांस चल रहा है बट साउंड बहुत तेज़ बज रहे हैं। और गाइस डांस स्टेप देख के तो आप समझ जाओगे कि गाना यहाँ पे सपना चौधरी मैम के ही चल रहा है क्योंकि मिट्टू दीदी उन्हीं गानों पे नाचना पसंद करती हैं। तो यहाँ पे साउंड वही चल रहे हैं। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये डांस देख के पता लग रहा है कि ये कौन से सॉन्ग चल रहा है नहीं। और अब यहाँ पे गाइस नेक्स्ट क्लिप आ गई है और अब ये वाला डांस स्टेप भी देख के आप लोग कमेंट करके बताना कि यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि नहीं कि ये कौन सा सॉन्ग है। वैसे यार मैंने तो सॉन्ग मुझे तो पता है कौन से बज रहे थे, मुझे आइडिया होगा, वरना आप लोगों के साथ साथ मैं भी ट्राई करती। बाकी गाइस यहाँ पे मिट्टू दीदी ने बहुत ज़्यादा अच्छा डांस किया था और बाकी आप इंस्टाग्राम पे देखना। हाय क्या इतना प्यारा हूँ मैं? चलो तो मिट्टू का परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरे को डांस करने का मन तो नहीं कर रहा क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, पर फिर भी करना तो पड़ेगा क्योंकि मेरा फंक्शन है और मैं डांस ना करूँ। तो मेरे 10 के 10 जन्म में पापा सिर्फ आप ही बनो, मेरे को और कोई पापा नहीं चाहते। अब चाहे कुछ भी फिर तो चाहे मेरा जन्म ही ना हो अगर मेरे को आप पापा ना मिलो। और आई लव यू मेरे भाई, बहुत 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 सारा थैंक यू, आपने मेरे को इतना सारा प्यार दिया, मेरी छोटी छोटी जिद पूरी करते हो, आई लव यू। और अब मेरी बातें सुन के इमोशनल मत हो जाना क्योंकि अन्नी मैं भी रोने लगूंगी। हेलो मामा, आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो, सबसे ज्यादा अच्छी मॉम हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और आप प्लीज डरा मत करो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कहीं नहीं खोने की, कोई मुझे उठा के नहीं लेके जाने का, कोई मेरे को छोटे नहीं भगाने का, इसलिए आप प्लीज मत डरा करो। मेरे को सिर्फ आपकी टेंशन लगती है अपने से भी ज्यादा क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, बहुत सीधे हो, एंड आई लव यू। और मम्मा मेरी सबसे बेस्ट मम्मा है पूरी दुनिया की। मम्मा पापा दिस इज ओनली फॉर यू पीपल। आई इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ड्रामेबाज हूँ। गाइस तो यहाँ पे खुशी कर रही थी डांस, खुशी ने बहुत ही प्यारा एक सॉन्ग का मैशअप करवाया था और वहाँ पे खुशी ने बहुत अच्छा डांस किया था। गाइस तो ओरिजिनल क्लिप तो वैसे बंद है बट आप इंस्टा पे देख लेना, बट यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप है, इसको आप एंजॉय करो। बहुत ही मतलब मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है,
जब मैंने स्टार्ट करा था वन जे एंड कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। अभी 1 मिलियन हो गया है ना, मेरे को ऐसा लगता है बहुत कुछ। और जिसने भी मेरे को इस जर्नी में सपोर्ट करा है, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, सबको बहुत बहुत थैंक यू। एंड मैंने सच्ची में बहुत 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 वर्क करा है अपने अकाउंट पे, और अभी ये 1 मिलियन हो गया है। भगवान करे हम जल्दी 2 मिलियन भी सेलिब्रेट करेंगे। तो थैंक यू सो मच सबको, और प्रेरणा पर मुझे जो ऑप्शन इतनी दूर से आया मेरे लिए, थैंक यू, उसको आना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट फिर भी थैंक यू फॉर फॉर्मेलिटी, थैंक यू सो मच आप सब आए, और अनुज भैया बातें बंद करो, थैंक यू सो मच आप सब आए मेरे लिए, थैंक यू। और जितने भी यहाँ पे खड़े हैं ना, नया कोई भी नहीं है, सच बताऊँ नया कोई भी नहीं है, सब मेरे बहुत पुराने, मतलब 7th-8th क्लास के दोस्त है जितने भी यहाँ पर है, 7-8 साल पुराने। थैंक यू सो मच आप सब यहाँ पर आए, थैंक यू। क्लैपिंग करो। गाइस अभी पुन्ना गया है, फोटो खिंचवा रहे, ज्यादा इतरा के दिखा रहा है। गाइस इसकी स्माइल देखो, ज्यादा इतरा रहा है, देखो शर्मा रहा है, कैसे इतरा के दिखा रहा है। जोकर लग रहा है उधर को, फिर गाइज और फिर यहाँ पे सब लोगों ने डांस करना कर दिया था स्टार्ट, बट यहाँ पे भी साउंड चल रहे थे तो मुझे ऊपर से वॉइस ऐड करनी पड़ रही है। और गाइज मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है, बट यार मैं सो भी नहीं पा रही, मच्छर भी काट रहे हैं, गर्मी भी लग रही है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं पुनीत और अपना ब्लॉग ही एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि सब ने अपने अपने ब्लॉग एडिट कर लिए। और बाकी यहाँ पे गाइज इनका डांस चल रहा है, बाकी ये बताना डांस आपकी आपको कैसा लग रहा है इनका डांस। और मिट्ठू दीदी के डांस का तो अलग ही लेवल है, वो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। मिट्ठू दीदी के स्टेप्स आप लोगों को कैसे लगते हैं ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी यहाँ पे इनका डांस देखने के लिए हम सब लोग खड़े हुए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस कर रहे थे दोनों ही, बहुत मज़ा आ रहा था गाइज आज तो। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, आप लोगों ने ब्लॉग को देख के इंजॉय किया या नहीं किया आप लोग गाइज कमेंट करके बताना। और ये मिट्ठू दीदी के स्टेप्स देखना तो बिल्कुल मत भूलना, जो भी अभी यहाँ पे परफॉर्मेंस दी गई, नहीं ये गाइज परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो डांस परफॉर्मेंस पहले हो गई थी, ये उसके बाद जब डांस कर रहे थे तो मिट्ठू दीदी डांस कर रही थी ऐसे ही जीजू के साथ। बाकी सॉन्ग कौन सा है आप यहाँ पे भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को सॉन्ग समझ में आया कि नहीं। और गाइज फिर अब यहाँ पे खुशी और मिट्ठू दीदी डांस कर रहे थे, क्योंकि खुशी पहले थोड़ा बिजी हो गई थी तो फिर वो हमारे साथ डांस नहीं कर पाई थी, फिर वो बाद में आई थी। तो मिट्ठू दीदी में तो गाइज आप लोगों को पता ही है बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हम लोग बस थक जाते, तो मिट्ठू दीदी तो इसके साथ भी खड़ी हो गई कि हाँ चल खुशी डांस करेंगे। बट यार यहाँ पे कोई सॉन्ग चल रहा है कुछ तगड़ा सा, तो इनके इनके जोश को देख के तो आप लोग समझ ही रहोगे,
बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को समझ आया कि नहीं। कपड़े चेंज हुए इनकी हालत देख लो, क्या से क्या बन गई है भाई, क्या से क्या बन गई। बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया। हाँ दिक्कत तो बहुत है, दिक्कत तो बहुत है तेज से यार, मैं तेज की फूंक भी नहीं मारा। मेरी जो ड्रेस थी ना उसका वेट 8 किलो वजन था उसमें। अच्छा फिर मेरे में 40 है 45। वो ये तेरा दोस्त क्या कर रहा है खुशी का? ये कोई नहीं है, वो नहीं है, फोटो खींच ले क्या अपने और नहीं खाए और नहीं हूं कैसा लगा तेरे को? हमने तेल लिए, सब कुछ करा, क्या करा? 1 मिलियन की पार्टी और तुम्हारे तो तुमने ये करा, मेरे को अच्छा लगा। अच्छा लगा, कुछ कहना चाहेगी? हाँ आई लव यू गाइस, मैं सबके छोटे छोटे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करती हूँ। तुम लोग आए मेरे को बहुत अच्छा लगा, तुम लोग मेरी फैमिली हो, तुमको पता है तुम्हारा आना मस्त है। और लेंस लगाया आज, अच्छे लग रहे हैं। ये देखो इसी में लग गई, पतीले में ही। तो गाइस यहाँ सब पकड़ी गई क्या? तो गाइस यहाँ सब खा रहे हैं खाना। व्लॉग यार तुमने क्या बना रही है? चाय बना रही हूँ। वाह चाय बनाई, वाह अच्छी बनाई हो। फोन में बनेगी चाय? ओ गाइस तो खुशी ने बनाई है चाय, बट चाय में दूध कम था इसलिए चाय काली बनी है। और यहाँ पे पूरी महफिल जमी हुई है गाइस। ये खुशी के पापा, अंकल हाय करो। हाय। जबरदस्ती हमने कही तुझसे। और गाइस बाकी ये खुशी की मम्मी और ये खुशी की मामी, ये खुशी की बहन और ये इतनी प्यारी बच्ची जिसने इतना अच्छा डांस किया था। और वो पीछे तो बालक, वो पीछे बालक बालक को तो जानते ही होंगे सब। ये यहाँ भी चल रही है, ये माधव है, लड्डू गोपाल नहीं है यहाँ। लड्डू मेरे जैसा बोलते हैं बाहर खड़ा गेट पे या मोबाइल ले रही है ऐसे, मतलब क्या कर रहा है मोबाइल में? हेलो भाई, ये वाली मैं देखा, मगर दर्दा कहाँ कहाँ बात की? देखो फोन तो बंद ही है, बंद फोन में ही लगी है। हेलो भाई गाइस देख लो इसे कैसे घूम रही है। तो गाइस अब इसी के साथ हम करते हैं व्लॉग का एंड और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप ये वाला व्लॉग एंजॉय करो और फिर कमेंट करके बताना कि व्लॉग कैसा लगा। बाकी खुशी 1 मिलियन सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग हुई है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और खुशी की परफॉर्मेंस और सब कुछ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बाय गाइस, लव यू। और चैनल को सपोर्ट करते रहो, शेयर करते रहा करो और सब्सक्राइब करते रहा करो। बाय गाइस।